रुक जाए बाबा, रुक जाए। ये जो मानव कतार का हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सुप्रीमो माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर बिहार में गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए हैं हम लोग मानव कतार लगाकर। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि केवल सरकार से ही नहीं, ये जितने भी छात्र हैं, छात्र के गार्जियन को भी जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर शिक्षा में सुधार आएगा। क्या लगता है आपको कि मतलब कि इस तरह के आयोजन से मतलब शिक्षा में सुधार संभव है? हम लोगों का पहल है, और जब से गांधी मैदान में रैली हुआ है उसी समय से कुछ तो सुधार बिहार सरकार कर दी है। उसी का नतीजा है कि जो डीएलएड हो रहा है टीचर ट्रेनिंग के लिए, रैली का ही नतीजा है कि सभी शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए एक लक्ष्य दिया गया है कि 2019 तक जो भी शिक्षक ट्रेंड नहीं होंगे वो स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। मतलब कि जिले में कुल कितने मतलब कि शिक्षा केंद्रों पर मतलब कि इस चीज का? जिले में 228 केंद्रों पर शिक्षा मानव कतार लगा, शिक्षा सुधार मानव कतार लगा हुआ है, जिसमें हर जगह 100 से ऊपर और कुछ जगह 200 से भी ऊपर लोग हैं। परिचय बताइए। रोहित कुशवाहा, जुआ जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, भोजपुर।